अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं तमाम दोस्त? मेरे तमाम दोस्त खैरियत से होंगे। तो दोस्तों, आज हम बात करेंगे कि पाई जो है, हम जो पाई नेटवर्क है जिसकी माइनिंग कर रहे हैं, तो उसकी क्या प्राइस है, आजकल की क्या प्राइस है, और आने वाले वक्त में जो है वो क्या प्राइस हो सकती है। अगर मेरे पास देखा जाए तो ये 2296 पाई हो चुकी हैं, ठीक है। तो डेली की अगर बात करूँ तो ये तकरीबन मेरे पास जो है 10 पाई तकरीबन डेली की हो जाती है, ठीक है। तो ये तो खैर होगी पाई की बात। तो इसमें प्राइस की बात आते हैं, तो प्राइस में आप अगर फेसबुक पर जाते हैं, कहीं भी देखते हैं, तो पोस्ट आ जाती है। देखिए, अभी यहाँ आ रहा है कि पाई की प्राइस जो है ये $42 है, ठीक है। तो दूसरी पोस्ट फेसबुक पर देखते हैं तो वो कहता है कि 0.292 डॉलर जो है, ये $1 का तकरीबन चौथा हिस्सा क्या बता रहे हैं। और इसके नीचे ही एक बंदे ने पोस्ट लगाई है, तो जिसमें ये $65 जो है एक पाई की प्राइस बता रहा है, ठीक है। और उसके बाद आपको बताऊं, ये तीसरा ये आ गया, एक पाई कॉइन $130। अब ये देखें, इसमें $130 जो है इसमें प्राइस बताई हुई है इसने। अब देखें, इस तरह की आपको पोस्ट जो है ना फेसबुक पर बहुत ज़्यादा मिलती है। अब होता क्या है कि बंदा ज्यादा के चक्कर में ना लालच करता है और अपनी पाई जो है ना वो सेंड कर देता है। वो ये होते पाकिस्तान के ज्यादा लोग हैं, लेकिन आईडी इन्होंने बनाई होती है नाइजीरिया के नाम से, नाइजीरिया के, और बाकी चाइना हो गया, वियतनाम हो गया, और अमेरिका, कनाडा, बेल्जियम, फ्रांस, तो इस तरह के ममालिक के ना नाम से, कंट्री के नाम से जो ना इन्होंने आईडी बनाई होती है, लेकिन ये ज्यादातर होते पाकिस्तानी हैं। इस तरह के काम ज्यादातर पाकिस्तानी कर सकते हैं। तो इसमें होता ये है कि ये लोग आपके साथ स्कैम कर जाते हैं। आप लोगों को इसमें टेंशन वक्ती तौर पे इसलिए नहीं होती कि आप कहते हैं चलो यार मेरे कड़ा पैसे लग गए थे, वो ये आप कह देते हैं। तो पैसे लगे की बात नहीं, बात ये है कि आप लोगों ने मेहनत तो की है ना, इसमें डेली का एक क्लिक किया है, आपने इंतजार किया है इसका, आपने अपनी पाई माइन किया, तो भाई आप उसको संभाल कर रखें, ठीक है। दूसरी बात, अगर आप शेयर करना चाहते हैं तो कोई भी ट्रस्टेड बायर है उसको आप शेयर कर सकते हैं। अगली बात है कि आपको इस तरह से अब व्हाट्सएप के लिंक आ जाते हैं, और कहते हैं कि अगर आपको आपके पाई लॉक है, अनलॉक करना चाहते हैं, तो आप जो है ना वो इस व्हाट्सएप नंबर पर रब्ता करें। होता क्या है कि वो आपका पासवर्ड जो होता है वो आप से ले लेते हैं। पासवर्ड लेने के बाद वो करते क्या है कि वो आपकी पाई ऑटोमेटिक सिस्टम उनके पास होता है, उसके साथ अटैच कर देते हैं। जब भी पाई अनलॉक होती है तो ऑटोमेटिक जो है उनके वॉलेट में ट्रांसफर हो जाती है, ठीक है। तो लिहाजा आप पासवर्ड अपना किसी के साथ कभी भी शेयर मत कीजिएगा, और इस तरह के व्हाट्सएप वगैरह इस तरह अवॉइड कीजिएगा। ये देखिए, उन्होंने इसके फाउंडर के नाम से आईडी बनाई है, निकोलस के नाम से, और नीचे अनाउंसमेंट है, गुड डे एवरीवन, पूरी पोस्ट बनाई है। अब नीचे देखें कि पाई का फाउंडर पोस्ट कर रहा है, और नीचे जो है ना कमेंट लाइक और ये कुछ भी नहीं है, ठीक है। तो दूसरी बात यह है कि आप कोशिश करें कि अगर आप पाई सेल करना चाहते हैं तो उसकी रियल जो प्राइस है वो ये चल रही है, ठीक है। ये डॉलर में अगर बात करें तो 0.29 है, और अगर पाकिस्तान रुपीज में बात की जाए तो ये तकरीबन 85-82, 80 से 85 के दरमियान तकरीबन चल रही है आज की बात की जाए। तो पहली बात तो मैं यही कहूँगा कि अपने पाई होल्ड रखें। इंशाल्लाह 2024 के Q1 या Q2 में ये पाई जो है वो लिस्ट हो जाएगी, और पाई लिस्ट हो जाती है तो बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है ये आप लोगों के लिए, बहुत ज़्यादा फायदा होगा आपका। इसकी प्राइस अगर बात की जाए तो उस वक्त क्या हो सकती है, तो उस वक्त की प्राइस जो है अगर लिस्टिंग की बात की जाए तो $1 के लगभग तकरीबन लिस्ट होगी, और इसकी जब ट्रेडिंग स्टार्ट होगी तो ये ट्रेड बहुत हाई, इसकी हाई बहुत ज़्यादा बनेगी, ठीक है। हाई बहुत ज़्यादा बनेगी, तो तकरीबन 10x तक जो है इसकी हाई हो सकती है, इतनी बड़ी है ये ना, इसमें बुलिश हो सकता है, इतना बड़ा इसमें जो है वो आप आ सकता है। तो इसमें अभी के लिए तो यही प्राइस रहेगी, तो लेकिन ये आने वाले वक्त के लिए जो है ये बहुत ज़्यादा फेमस होगी, बहुत ज़्यादा इसकी प्राइस होगी। अगर बिटकॉइन की बात की जाए तो
बिटकॉइन भी एक दिन में 27,000 डॉलर या 50,000 डॉलर पर नहीं चला गया था। स्टार्टिंग में जो है ऐसे ही होता है, उसके बाद आस्ता आस्ता जो है वो प्राइस इंक्रीज होती रहती है। दूसरी बात ये है कि कभी भी एक रात के अंदर अंदर या एक महीने के अंदर अंदर करोड़पति होने का नहीं सोचे, इंतज़ार करना पड़ता है, टाइम लगता है। ऑनलाइन काम को दो नज़रिए से ज़्यादातर लोग देखते हैं। एक तो यही देखते हैं कि ऑनलाइन काम जो है वो फ्रॉड है, दूसरा ये देखते हैं कि बंदा रात में करोड़पति हो जाए। ये दोनों बातें गलत हैं, ऐसा नहीं होता। आप दूसरे भी काम करते हैं रूटीन के, तो आपको पता ही है कि कितनी मेहनत पर कितना जो है वो उसका रेवेन्यू आता है। तो इसलिए जो है आप सब्र करें और बाकी रूटीन के काम आप करते रहें। रूटीन के काम के साथ साथ जो है ये भी आप करते रहें, तो इसमें कुछ ना कुछ आपको आएगा। तो इन्वेस्टमेंट नहीं है इसमें मेन परेशानी होती है इन्वेस्टमेंट की। बाकी बहुत से दोस्त कह रहे हैं कि इन्वेस्टमेंट वाले यार काम बताओ, इन्वेस्टमेंट वाले काम जो है उस पर मैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो जो है वो तो सीधा बताऊंगा आप लोगों को। तो वीडियो अच्छी लगी तो लाइक शेयर और कमेंट जरूर कीजिएगा। इसी के साथ अपने दोस्त शाह को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।